गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। एक तरफ देश की जनता को कोरोना से निजात नहीं मिला है, वहीं दूसरी ओर अब डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है। आए दिन डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं। फतेहाबाद में बीते दिन डेंगू का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मी डेंगू का शिकार हो गया है। डेंगू का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार घरों में जाकर सर्वे कर रही हैं। अब तक जिले में करीब 1,43,000 से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें 946 घरों से डेंगू का लार्वा मिला है जिसे नष्ट किया गया है। वहीं जिन घरों में लार्वा मिला है उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। कुल 4 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं डेंगू के। तकरीबन जो हमने देखा कि 297 सैंपल लिए गए थे, उसमें से ये जो 4 पॉजिटिव आए हैं और जो चौथा पॉजिटिव है वो सिर्फ 3-4 दिन पहले आए, एक हेल्थ केयर वर्कर है जो अगस्त में ये पॉजिटिव आया हमारा। उससे पहले 2 केस हमारे अप्रैल में पॉजिटिव। 1,43,000 घरों को अभी तक अप टू जुलाई हम चेक कर चुके हैं, जिसके अंदर जो 945 ऐसे घर हैं जिनको कि नोटिस इशू किया गया है कि वहाँ पे लार्वा मिला है या उन्होंने जो है अभी तक अपनी सफाई वगैरह नहीं की है। तो 945 ऐसे केसेज हैं जिनको नोटिस दिए जा चुके हैं। हमारे जो भी आशा वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर्स, जो भी हमारे MPHW मेल हैं या फीमेल्स हैं, ये सभी घर घर जाके लोगों को समझाते भी हैं कि अपने जो कूलर हैं या जहाँ पे आपका पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको कम से कम हर हफ्ते साफ किया करें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 4 लोग डेंगू से ग्रस्त मिले हैं और डेंगू के बचाव के लिए लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसलिए घरों एवं आसपास पानी एकत्र ना होने दें। सप्ताह में एक बार कूलर, गमले, फ्रिज की ट्रे की सफाई अवश्य करें। फतेहाबाद से वी न्यूज के लिए अजय मेहता की रिपोर्ट।